नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले के नगर सुल्तानपुर में लगभग 9,500 लाख रुपए से अधिक की राशि के विकास कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। जिले में दिन शुक्रवार 11 नवंबर 2022 को प्रदेश में समाज के विकास में पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा का अतुलनीय योगदान रहा। भोजपुर क्षेत्र को आज वर्तमान में स्वर्गीय पटवा के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्रगति एवं विकास व जन सेवा का इतिहास बनाया था, जो विकास की उस गंगा को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पटवा की जन्म जयंती पर नगर सुल्तानपुर में स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा की मूर्ति का अनावरण एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन शिलान्यास 9,500 लाख रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों को किया, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पटवा के पद चिन्हों पर चलते हुए बाड़ी सुल्तानपुर मंडीदीप ओबिदुल्लागंज में अनेक विकास के कार्य विधायक सुरेंद्र पटवा और प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं। सबसे पहले तो पटवा जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। जीवन भर बहुत पहले भारतीय जनता प्रदेश की जनता की सेवा की, प्रदेश को विकास के पथ पर ले गए। भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी का संगठन उन्होंने खड़ा किया। गांव गांव पैदल हुए पटवा जी और मुख्यमंत्री बनते ही विकास को उन्होंने एक नई दिशा दी और मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में उनका अतुलनीय योगदान है। भोजपुर को उनका घर था, जनता के दिल में वो बसे हैं। उनके चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आज उनकी सूचना का यहाँ अनावरण हुआ है सुल्तानपुर में और उन्हीं की प्रेरणा से विकास के कल्याण के कामों को आगे बढ़ाएंगे। पूरे प्रदेश का सीएम जन सेवा अभियान। सबसे पहले तो सुंदरलाल पटवा जी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, जनसेवा से इस रूप में कहेंगे कि पुण्य स्मृति और उसके उपलक्ष्य में आज इस क्षेत्र को सौगात है। माननीय पटवा जी ने जो अंत्योदय किया, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी द्वारा उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज गरीबों की आज जो जिस प्रकार की घोषणा और जिस प्रकार का निर्देश आज प्रशासन हुआ सारी जनता के समक्ष से सारी दुनिया उसको देख रही, निश्चित तौर पर ये भोजपुर के लिए वरदान है। भोजपुर के जवान विधायक आदरणीय सुरेंद्र जी पटवा के नेतृत्व में लगातार इस क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को नीचे तक ले जाने का काम हो रहा है और हम कह सकते हैं कि आगामी समय में ये भोजपुर जिसका विकास न केवल फौरी तौर पर बल्कि हर प्रकार से दिखाई देता है और आज जितनी प्रकार की भी डिमांड यहाँ से की गई उनकी पूर्ति करने का काम माननीय मुख्यमंत्री।